अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मिक्स वेजिटेबल चिकन पकौड़े बना रहे हैं। ये हमारे पास 200 ग्राम चिकन है, हमने उसको उबाला है। उबालने के टाइम उसके अंदर नमक डाला है, गरम मसाला डाला है। 200 ग्राम मिक्स वेजिटेबल है, 200 ग्राम बेसन है, ये एक अदद प्याज है, आधी टीस्पून बेकिंग सोडा है, एक टेबलस्पून सूखा धनिया है लेकिन हमने उसको कूटा है, ये पाउडर नहीं है, एक टेबलस्पून ये मिक्स मसाला है, एक टेबलस्पून ये नमक है, एक कप ऑयल है फ्राई करने के लिए। अभी हम ये सब मिक्स कर रहे हैं। क्वांटिटी आप ज्यादा भी कर सकते हैं। इसको आप इस तरह ये पानी डाल के बैटर बना दें और थोड़ी देर के लिए इसको रख दें। इसे नरम नहीं बनाओ, इतना इतना बना दो जिस तरह ये मैंने देखो हाथ में मैंने लिया, इसी तरह। आप परेशान नहीं हो अगर इसमें आपको बेसन कम नजर आते तो कोई बात नहीं, आप इसमें डाल दो। इसको तकरीबन 5 मिनट रख दे। ये घी गर्म हो गया, अभी इसके अंदर पकौड़े डाल रहे हैं। ये देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सा हमारा चिकन पकौड़े तैयार हो गए। कलर भी कितना अच्छा आया, क्रिस्पी सा मज़ेदार सा बन गए ये। नाज़रीन हमारा चिकन वेजिटेबल पकौड़े तैयार हो गए। मैं आप लोगों को नया नया डिश सिखाऊंगी, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।